हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? तो आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजर्स जो मैंने बिना सिलाई मशीन के बनाए हैं। तो कई बार मेरे व्यूअर्स कहते हैं कि उन्हें सिलाई मशीन नहीं आती है, सिलाई चलानी नहीं आती है। तो मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही ऑर्गेनाइजर्स के डिज़ाइन लेके आई हूँ जिन्हें आप बिना सिलाई मशीन के बना सकते हैं और बहुत सारे कपड़े उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। तो वन बाय वन मैं आपको सारे ऑर्गेनाइजर्स दिखाने वाली हूँ। तो चलिए बिना डिले के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये फ्रेंड्स फर्स्ट ऑर्गेनाइज़र, इसे मैंने बिना सिलाई मशीन के बनाया है, सुई धागे से बनाया है। और इसके अंदर जो मैंने फॉर्म यूज़ की है, जो रेडीमेड कपड़े हम खरीदते हैं उसमें जो हमें फॉर्म मिलती है, उस फॉर्म का मैंने इसमें यूज़ किया है। तो कुछ भी मार्केट से लेने की ज़रूरत नहीं है। पुरानी पैंट का मैंने इसमें यूज़ किया है और कपड़ों से निकलने वाली फॉर्म का यूज़ किया है। बहुत ही सिंपल और ईजी तरीके से बनाया है और इसमें हमारे बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं। तो इस ऑर्गेनाइज़र को आप बना सकते हैं। देखिए, स्वेटर रखने के लिए, सर्दियों के गर्म कपड़े होते हैं वो रखने के लिए, ब्लैंकेट वगैरह स्टोर करने के लिए, बच्चों के ब्लैंकेट हैं घर में, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो काफ़ी अच्छे और बड़े साइज़ का ऑर्गेनाइज़र है और बहुत सारी चीज़ें स्टोर करने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, इसे मैंने बिना सिलाई मशीन के बनाया है। तो अगर आपको सिलाई मशीन चलानी नहीं आती तो भी आप इस ऑर्गेनाइज़र को बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, वॉशेबल है, आप इसे इजीली वॉश भी कर सकते हैं। तो ये था फर्स्ट ऑर्गेनाइजर। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इसके ऊपर भी हमारे पास यहाँ पे स्पेस बच जाता है, तो यहाँ पे कपड़े आप हैंग भी कर सकते हैं इस तरीके से। और ये हमारा फर्स्ट ऑर्गेनाइजर है। तो मैं अब आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है दूसरा ऑर्गेनाइजर। इसे भी मैंने जो पुराना राइस बैग होता है उससे बनाया है, बिना सिलाई मशीन के बनाया है। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बनाया है। इसमें तो सुई धागे का भी यूज़ नहीं किया है, सिर्फ 5 मिनट में बन जाता है हमारा ये वाला ऑर्गेनाइज़र। इस तरीके से देखिए, इसमें मैंने कपड़े रखे हुए हैं सारे, तो काफ़ी सारे कपड़े आ जाते हैं और यहाँ से विजिबल भी होते हैं। तो छोटे मोटे कपड़े, ट्राउज़र वगैरह, इस तरीके से आप रख के इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। देखिए, तो ये दोनों ऑर्गेनाइज़र बिना सिलाई मशीन के बनाए हैं। इसमें तो सुई धागे का यूज़ किया है, इसमें तो सुई धागे का भी यूज़ नहीं किया है। तो बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से राइस बोरी जो हमारे पास पड़ी होती है उसमें से मैंने इसे बनाया है। तो अब मैं आपको एक और ऑर्गेनाइज़र दिखाती हूँ। तो नेक्स्ट है, वो है ऑर्गेनाइज़र ये भी मैंने पुराने राइस बैग से ही बनाया है और इसमें भी सिलाई मशीन का यूज़ नहीं किया है। जस्ट फोल्ड करके मैंने इसे बहुत इजी तरीके से बनाया है। तो ये वाला जो था, ये मैंने थोड़ा छोटे साइज़ का लंबाई में बनाया था, ये मैंने थोड़ा सा बड़े साइज़ का बनाया है। तो इस तरीके से देखिए, कपड़े रखने के लिए, थोड़े बड़े कपड़े रखने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें बच्चों के पजामे वगैरह, सॉक्स वगैरह रखने के लिए, और इसमें थोड़े बड़े कपड़े रखने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र हमारा आ जाता है और कहीं पर भी रख सकते हैं आप इसे। यहाँ ऊपर रख सकते हैं, नीचे अलमीरा में कहीं भी एडजस्ट करके रखना चाहें। देखिए, इस तरीके से। और ये भी बहुत जल्दी बन जाता है, सिर्फ 5 मिनट लगते हैं देखिए इस ऑर्गेनाइजर को बनाने के लिए। ये देखिए, इस तरीके से। तो देखिए कितने सारे कपड़े आ गए यहाँ पे, बड़े मोटा स्वेटर वगैरह आप रख सकते हैं, यहाँ पे छोटे पजामे वगैरह, यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से कपड़े आप रखना चाहें। तो बहुत सारे कपड़े देखिए इस ऑर्गेनाइजर्स में आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात है, बिना सिलाई मशीन के बने हैं, तो जरूरी नहीं है आपको सिलाई मशीन की जरूरत है इन्हें बनाने के लिए। तो नेक्स्ट है, ये है इस तरीके का हैंगिंग ऑर्गेनाइजर। देखिए, तो इसमें भी मैंने काफ़ी सारे कपड़े तय लगा के रखे हुए हैं। तो जैसे हमारे अलमीरा के ऊपर का स्पेस बच जाता है यहाँ पे ऊपर, तो इसे हम ऊपर हैंग कर सकते हैं। तो ये मैंने ऊपर हैंग करने के लिए ही बनाया था। देखिए, इस तरीके से हैंग हो जाता है। ये इस तरीके से यहाँ ऊपर की तरफ हैंग हो जाता है और जो भी कपड़े वगैरह रखना चाहें आप। देखिए, मैंने काफ़ी सारे इसमें कपड़े रखे हुए हैं, तो आप इसमें काफ़ी सारे इस तरीके से कपड़े रख सकते हैं। देखिए, तो ऊपर वाला स्पेस भी हो जाता है, यहाँ नीचे की तरफ हमारा स्पेस बचा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे हमने ये ऑर्गेनाइजर्स बनाए हैं, ये आप इस तरीके से रख सकते हैं। तो कितने सारे कपड़े देखिए, सारे के सारे मेरे इस तरीके से एक कॉर्नर में सेट हो गए हैं। देखिए, इतने सारे कपड़े, सिर्फ कपड़े सारे एक कॉर्नर में सेट हो गए और सारे का सारा स्पेस देखिए हमारा बिल्कुल इस तरीके से पूरा यूटिलाइज हो गया। देखिए, सारा स्पेस जब भी निकालना है बस ऊपर से विजिबल है आपको कि कौन से कपड़े हैं। तो इस तरीके से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ तो हमारे ऊपर है ही देखने के लिए जो भी आपने रखे हैं कपड़े काफ़ी सारे, इस तरीके से हो गया। तो ये इस तरीके से ऑर्गेनाइजर थे बिना सिलाई मशीन के
सकते हैं, आप भी इसे बना सकते हैं इजीली घर पे। तो ये थे कुछ ऑर्गेनाइजर्स जो मैंने बिना सिलाई मशीन के बनाए थे। तो देखिए कितने सारे कपड़े मेरे इस तरीके से एक कॉर्नर में बिल्कुल सेट हो गए हैं। इन सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से इन सबकी मेकिंग देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल और ईजी तरीके से मैंने इन्हें बनाया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।